ठीक है बाबू, ये कैंडल है बाबू, ठीक है ना, ये कैंडल है, ठीक है ना। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आया सर, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। एक रे ऑफ लाइट बाबू यहाँ आ गया, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। इधर से क्या होगा, यहाँ मिरर जब दोगे ना, मिरर पे टॉर्च ऑन करना बाबू, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। ठीक है सर, तो अब इसके बाबू ये क्या हो गया, ये जो रे है बाबू, ये डॉटेड लाइन मतलब क्या है सर, ये ऐसा प्रतीत होगा बाबू, ऐसा प्रतीत होगा कि मिरर के पीछे क्या बना, आप लोग चेहरा मिरर में देखोगे तो इमेज कहाँ बनता है, मिरर के अंदर बनता है, अंदर बनता है बाबू, ठीक है ना, अंदर बनता है ना, अंदर बनता है ना, ठीक है सर। तो ये जो इमेज बना बाबू, ये जो इमेज बना, ठीक है ना, ये जो इमेज बनता है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, रियल इमेज वर्चुअल इमेज बता रहे हैं ना। तो इमेज बनाने के लिए हमेशा ध्यान देना, इमेज बनाने के लिए बाबू जो रे है कम से कम दो रे लेना, दो रे लेना, है ना, एक रे नहीं इससे होगा, एक रे लोग बाबू तो कहाँ पे कट करवाओगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बाबू कम से कम दो रे लेना, है ना। तो अगर ये बाबू इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये सही में किसी एक जगह काट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे बाबू, और लाइन को पीछे बैक साइड में मिलाने से बन रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे, है ना। ठीक है सर, तो इसमें अब हम लोग क्या क्या कह सकते हैं बाबू इसको, ये आपका क्या हो गया शैतान मेरा, दिस इज द बाबू कैंडल, है ना बाबू, कैंडल, ठीक है। ये आपका क्या है बाबू, मिरर है ना, ठीक है बाबू। तो मिरर में देखो बाबू, अरे शैतान कुछ नहीं करना, एक मिरर के आगे कैंडल रखो ना, ठीक है ना, कैंडल रखो, और फिर मिरर में देखना, तो बाबू मिरर के आगे कैंडल रखो, ठीक है ना, और फिर देखना मिरर में किसको देखना, कैंडल को देखना, तो जो फोटो बनता हुआ नजर आएगा बाबू, मिरर के अंदर आएगा, मिरर के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं किए हैं, और कुछ नहीं इसमें रॉकेट साइंस लगा है। ये आपका बाबू क्या हो गया, आई हो गया, ये आपका क्या हो गया बाबू, आई हो गया, है ना, ये आपका आई हो गया, ठीक है। तो जैसे देखोगे बाबू, जैसे देखोगे तो क्या आपको दिखाई देगा, कैंडल का इमेज बाबू मिरर के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा, है ना, ठीक है। तो ये बाबू क्या हो गया आपका, कैंडल हो गया, ये इसका क्या हो गया बाबू, इमेज हो गया। तो कैंडल है, तो कैंडल को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कैंडल को एज ऑब्जेक्ट बाबू। ये आपका क्या हो गया, इमेज बन गया, इमेज बन गया बाबू, है ना, ठीक है सर। तो इसको अगर इमेज को डिफाइन करना रहे बाबू, तो क्या करेंगे बाबू, कैसे डिफाइन करेंगे, एन इमेज इज फॉर्म बाबू, एन इमेज इज फॉर्म, ध्यान, रिफ्लेक्टेड रे, इमेज जब भी बनेगा बाबू हमेशा इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे से ही बनेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे यही है ना बाबू, यही ना रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या है बाबू, ये दोनों क्या है शैतान, दीज रे बाबू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है बाबू मेरे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ठीक है सर। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या है शैतान, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये बाबू क्या है, दोनों इंसिडेंट रे हैं। तो जब भी इमेज बनेगा बाबू, हमेशा ध्यान देना, जब भी इमेज बनेगा रिफ्लेक्टेड रे से ही इमेज बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे से बने। तो रिफ्लेक्टेड रे दो तरह से हो सकता है, या तो बाबू एक्चुअली कट कर दे, अभी सर हमको ऊपर ऊपर पार हो रहा, या तो बाबू वर्चुअली कट करें, वर्चुअली मतलब क्या बाबू, इमेजिन करके, ठीक है ना, ये जो लाइन बैक साइड दिखाया गया है ना, मिरर के अंदर कुछ बनता नहीं ना, तो डॉटेड ये बताता है बाबू कि इमेजिनरी लाइन है, डॉटेड लाइन मेरा क्या बताता है कि इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बने बाबू इमेजिनरी इमेज बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर इमेज को डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करो बाबू, एन इमेज इज फॉर्म बाबू वेन दी बाबू रिफ्लेक्टेड रेज, समझ में आ रहा है आप लोग को जी, अपीयर टू मीट बाबू सर्टेन पॉइंट, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, ठीक है बाबू। एन इमेज इज बाबू फॉर्म, है ना बाबू, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज बाबू एक्चुअली मीट या अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, है ना, मतलब क्या सर, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड है बाबू, देखो अगर दो तरह से मिल सकता है, या तो एक्चुअल मिल सकता है, या बाबू क्या मिले, एक्चुअली मिलेगा, एक्चुअली कहने का मतलब आपको बताएंगे, ठीक है ना, बता रहे हैं थोड़ा सा, या तो बाबू क्या होगा, वर्चुअली मिलेगा या अपीयर टू मीट। तो इस केस में बाबू क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है कैसे सर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे प्रतीत हो रहा है ना बाबू। तो इस तरह से जो इमेज बनेंगे बाबू, इस तरह से जो फॉर्मेशन बनते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। आगे बाबू सर, सर डेफिनेशन बोल दीजिए। एन इमेज इज बाबू फॉर्म, देन द बाबू रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट बाबू या अपीयर टू मीट।
एक्चुअली मीट बाबू या अपीयर टू मीट, समझ में आ रहा प्रिंस बाबू? यस सर। डायग्राम जल्दी से बनाए, जल्दी से डायग्राम बनाओ सेटा, नहीं बना हुआ रहेगा जिसका फेयर नहीं किया हुआ रहेगा बाबू उसको क्लास से निकाल देंगे, जल्दी से करो आप लोग। बाबू टाइम है, इरेज करेंगे, टाइम नहीं बाबू। हो गया सर, हो गया सर, रुक जाइए जल्दी करो, नहीं तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लो घर पे लिखते रहना, 10 मिनट टाइम है बचता बाबू, 2 मिनट लेट में आते हो। अब बाबू इमेज टू टाइप के होते हैं, ठीक है बाबू? इमेज मेरे कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं बाबू, इमेज मेरे कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं ना, इमेज कितने होते हैं बाबू? टू टाइप के होते हैं। ठीक है बाबू, इमेज मेरे दो टाइप के होते हैं, कैसा आपका दो नाम है इसी तरह इमेज का बाबू, इमेज दो टाइप के होते हैं, इमेज बाबू टू टाइप होते हैं, यहीं पर क्लासीफाई कर देते हैं, इमेज बाबू टू टाइप होते हैं, एक मेरा बनता बाबू रियल इमेज होता, दूसरा मेरा क्या होता बाबू? रियल इमेज होता, दूसरा मेरा वर्चुअल इमेज होता, वर्चुअल इमेज बाबू। इमेज बाबू टू टाइप के हैं ना, टू टाइप के इमेज होते बाबू, एक मेरा रियल इमेज कहलाते, सेकंड बने जो बाबू वर्चुअल इमेज कहलाते, वर्चुअल इमेज कहलाते, ठीक है? तो रियल इमेज क्या होता है सर, वर्चुअल इमेज क्या होता है सर? आप लोग माइंड शांत रखें बाबू, चूंकि टाइम नहीं बच पाता है ना, क्या करें आधा घंटा में हम क्या करें। नेक्स्ट बाबू, पहला अब हम लोग डिफाइन करें बाबू रियल इमेज, ठीक है? रियल इमेज बाबू में रियल, रियल इमेज है ना, बता देते हैं, लिखा देते हैं, उसके बाद इसको हम समझा देते हैं ना बाबू। द इमेज बाबू, द इमेज बाबू, द इमेज विच इज फॉर, लिखते चले बाबू, द इमेज बाबू विच इज फॉर, विच इज फॉर बाबू वेन, वेन बाबू रिफ्लेक्टेड रे, लिखे बाबू रियल इमेज में, द इमेज बाबू विच इज फॉर वेन रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज बाबू एक्चुअली, एक्चुअली मीट एट ए सर्टेन पॉइंट बाबू, एक्चुअली मीट एट ए सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पॉइंट बाबू, एक्चुअली मीट बाबू एट ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड शैतान, कितना बज गया बाबू, बाप कितना बजा, इज कॉल्ड बाबू, चारों तरफ देखना पड़ता है ना, आपको भी देखना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है, एट ए सर्टेन पॉइंट बाबू इज कॉल्ड बाबू रियल इमेज, ठीक है बाबू? रियल इमेज होगा, ठीक है ना बाबू? मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इमेज बाबू विच इज फॉर्म में रिफ्लेक्टेड एक्चुअली इमेज, एक्चुअली इमेज जैसे बाबू क्या, जैसे बाबू क्या, जैसे क्या, जैसे क्या, देखो आज तो टाइम मेरा इसी में खत्म हो गया, लिखो पहले फिर दिखा रहे हैं आपको। मतलब क्या सर, डायग्राम बना देते बाबू, देखो मान लो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, शैतान मैग्नीफाइंग ग्लास देखो ना इस तरह से, मानो ना बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है ना, आप ही लोग खरीद के लाए, ठीक है, ये इसका क्या क्या हो गया बाबू, डंटी हो गया है ना, ठीक है सर। यहाँ पे बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख लो, कुछ ऑब्जेक्ट रख लो ना, कैंडिले रख लो, कैंडल रख लो बाबू है ना, कैंडल रख लो है ना, ठीक है सर, है ना बाबू? तो अब मैग्नीफाइंग ग्लास को कैसे रखना, ऐसे रखना, ऐसा कैंडल रखना, तो इसका जो इमेज बनेगा शैतान मेरे, इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, इधर बनेगा, मान लो इधर कोई स्क्रीन रख लो, जितना दूर में दूर तो इसमें रख सकते हो, इधर स्क्रीन है, ये बाबू क्या स्क्रीन, स्क्रीन मतलब क्या होता है, सिनेमा हॉल का पर्दा, सिनेमा हॉल वाला बाबू पर्दा, जो मूवी में कैसे देखते हो, ठीक है ना, तो प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज बना बाबू, दैट इमेज बाबू रियल इमेज, रियल इमेज होता, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो इसका बाबू जब इधर इमेज बनेगा तो ये थोड़ा उल्टा बन जाएगा, मतलब क्या सर, ऐसे इसका इमेज बन जाएगा यहाँ पे बाबू, है ना, ऐसे उल्टा इमेज बन जाएगा,
ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट, जैसे मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट आया बाबू, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट ये मैग्नीफाइंग ग्लास से होगा, पार जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से पार किया बाबू। ठीक है सर, पार करेगा ना बाबू मेरे? हाँ सर। यहाँ से एक टर्न ले लो, तो ये भी मैग्नीफाइंग ग्लास से पार कर रहा है बाबू। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से पार किया, तो थोड़ा सा इस बार ऊपर कर दो, क्या दिक्कत है ना? इस तरह से बाबू, मतलब सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, है ना? ये क्या हो गया बाबू? मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, टाइम हो गया सर। चांद मैग्नी रवि ज्योति, समझ में आ रहा बाबू? यस सर। आप लोग इतने तेज हो बाबू, हमारे बच्चे तो समझ जाते हैं। ये बाबू क्या हो गया? कैंडल हो गया, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कि जिसके लैंग्वेज में क्या कहेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये क्या है शैतान? ये स्क्रीन है। ये क्या है बाबू? स्क्रीन है, है ना? और ये इसका क्या बन गया बाबू? फोटो बन गया, वॉल पेपर का हो गया। तो हम लोग फिजिक्स में फोटो नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स में वॉल पेपर नहीं पढ़ते हैं, इमेज पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में बोले थे बाबू हर एक सब्जेक्ट का, बाबू इस सब्जेक्ट का बाबू हैज ऑन लैंग्वेज। जल्दी से डायग्राम बना और देखो कैसे होता है। कहाँ गया मेरा टॉर्च लाइट? हो गया सर। देखो बाबू, देखो अब यहाँ पे अंतर देखने की कोशिश करो। देखो ये हो गया रियल इमेज, जहाँ पे बाबू क्या इमेज बाबू विच इज फॉर्म एंड रिफ्लेक्टेड इज एक्चुअल इमेज। ये रे हुआ बाबू, ये रिफ्लेक्टेड रे। अरे बाबू ये इंसिडेंट है ना बाबू, ये इंसिडेंट है ना, तो मिरर के बाद ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड बन गया। मिरर के बाद होकर क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है ना? तो क्या कर रहा है? एक्चुअली मीट कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है। तो ऐसे इमेज को क्या कहेंगे बाबू? रियल इमेज कहेंगे। लेकिन जो प्लेन मिरर में आप शक्ल देखते हो बाबू, प्लेन मिरर में शक्ल देखते हो, है ना, तो वहां जो मान लो प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो वहां से रे ऑफ लाइट जाते हैं, इंसिडेंट करवाते हो, तो मिरर के क्या होता है? मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाता, मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाता। यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं, यहाँ पे बाबू क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे क्या कर जाएगा बाबू? मैंने अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना? तो इसी को बाबू क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे, ठीक है? मतलब इस इमेज को बाबू आप पर्दे पे उतार सकते हो, पर्दे पे मैंने उतार सकते हो, पर्दे पे उतारने का मतलब स्क्रीन पे बाबू इसको आप ऑब्टेंड कर सकते हो। लेकिन लेकिन जो इसके द्वारा इमेज बनेगा बाबू, किसके द्वारा सर? ये मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, है ना? तो वहां पर्दे पे उस इमेज को पर्दे पे नहीं उतार सकते। मतलब क्या सर? अरे मेरे शैतान, देखो देखो देखो, जहर खा के मर जाओ, ठीक है? सब कितना पढ़ा एकदम। देखो आपका क्या है? ये मिरर है, है ना? अब इसमें इमेज देखो, तो आपका मोबाइल देखो, ट्राइपॉड दिख रहा है ना शैतान मेरे? ठीक है, देखो ट्राइपॉड दिखा, मान लो दिखा। अब यहाँ पे पीछे आके देखना, पीछे आके देखने तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, पीछे कुछ है ही नहीं है, लेकिन आपको तो इमेज दिख रहा ना। तो इस तरह से जो इमेज बना पाओ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। इसको कहीं पीछे में पर्दा लगाओ ना, यहाँ पीछे में पर्दा लगाओ ना शैतान मेरे। देखो यहाँ इसके पीछे में पर्दा लगा है ना, इसके पीछे में पर्दा लगाओ तो आएगा कुछ है ही नहीं है, क्या है? ऐसी टूटा फूटा चीज है। तो ऐसे इमेज को बाबू जिसको आप लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते बाबू, जिसको पर्दे पे नहीं उतार सकते उसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज, और जिसके पर्दे पे उतार सकते बाबू उसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। जैसे ऐसे ऐसे बनो शैतान मेरा, जैसे देखो कितना पढ़ाए बाबू आप लोग को बताओ। बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, है ना? इतना तो लाइट है जी, ठीक है बाबू? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। अब देखो बाबू, जैसे ये आपका क्या दिख रहा है? ये आपका बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो यहाँ पे देखो बाबू क्या करो, रे ऑफ इंसिडेंट इसे पास करवाओ, ठीक है? तो यहाँ से जैसे ही रे ऑफ इंसिडेंट पास करवाओगे बाबू, देखो ना कहीं, ठीक है? तो यहाँ से क्या, कहाँ रखे शैतान मेरे? देखो एक छोटा सा, एक छोटा सा डॉट पॉइंट बन रहा बाबू, ये इसके लिए हमको ये चाहिए था, लेजर लाइट चाहिए था। जितना दूर रखेंगे ना उतना ही छोटा सा शार्प बनेगा। देखो एक छोटा सा शार्प बन रहा होगा बाबू, छोटा सा शार्प पॉइंट ये ग्लेयर कर रहा होगा, ग्लेयर कर रहा होगा, एक छोटा सा ग्लेयर कर रहा है एक जगह। हमको तो साफ दिख रहा है लेकिन आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, है ना बाबू? मतलब अरे शैतान ये समझो, ये समझो ना शैतान, जैसे मान लो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है ना बाबू, अब इससे रे ऑफ लाइट क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। तो पास कर जाएंगे बाबू, तो इससे रे ऑफ लाइट इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं ना। प्रोजेक्टर आप लोग कैसे मूवी देखते हैं ना बाबू, प्रोजेक्टर देखते हो ना, तो उसको इमेज पे स्क्रीन पे उतार सकते हो। तो जिसको उतारोगे बाबू, जिसको उतारोगे वैसे इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। और जिसको स्क्रीन पर नहीं उतारोगे शैतान मेरे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। समझ में आया?
तो ये जो रियल इमेज है तो बाबू इसको स्क्रीन पे हम लोग उतार सकते हैं, प्रोजेक्टर देखते हो कपड़े ले लो व्हाइट कपड़ा लो वहां पर उतार सकते हो, ठीक है ना बाबू? ठीक है, तो इसको रियल इमेज कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर, टाइम हो गया बाबू। ठीक है, तो इसमें काबू पॉइंट और लिखना बाबू, टाइम हो गया बाबू। अरे टाइम ही नहीं मिल पाता, क्या करें। एक आधो पॉइंट और लिखो बाबू, लिखो रियल इमेज के नीचे बाबू, डायग्राम ये लिख लेना, डायग्राम बना लेना। संस्कृत के क्लास का टाइम हो गया है, मजाक करोगे पीट देंगे, ठीक है ना? जो भी पढ़ना है सही से पढ़ो या अच्छे से पढ़ो। टाइम हो गया है सर, मजाक कहाँ कर रहे हैं? कितना टाइम हुआ? 9 बज गया, पूरे सुबह 9 बज गया कि बाकी है बाबू काम? 1 मिनट बच रहा, 2 मिनट बच रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या आ गया? छोड़ो, जितना देर हम सोचेंगे बाबू उतना देर में हम आपको लिखा देंगे। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? इमेज फॉर्म कौन से बनेंगे बाबू? इमेज बाबू, इमेज फॉर्म बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। रियल इमेज का एग्जांपल कौन सा बाबू? इमेज फॉर्म बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके द्वारा इमेज क्या बनेंगे बाबू? रियल इमेज बनेंगे। दूसरा बाबू, इमेज फॉर्म बाय, पहला एग्जांपल। दूसरा कैमरा के द्वारा। दूसरा बाबू क्या? कैमरा के द्वारा, इमेज फॉर्म बाय कैमरा। कैमरा के द्वारा स्क्रीन तो उतारते हैं ना बाबू, देखते नहीं रील में उतार देते हैं। इमेज फॉर्म बाय बाबू कैमरा। तो ये क्या हो जाएंगे बाबू? दिस इज द बाबू, ये सब जो इमेज बनाएंगे रियल इमेज बनाएंगे, रियल इमेज बनाएंगे। या बाबू प्रोजेक्टर, या बाबू प्रोजेक्टर, है ना? तो ये सब कैसे इमेज बनाएंगे बाबू? रियल इमेज बनाएंगे। लिखिए जल्दी से। लिख लिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना हो गया? 9 बज के कई मिनट? 8:01 सर। 8:01 हुआ, 8 बजे से क्लास है सर। 8:01 हुआ बाबू, अरे दिन भर इतना पढ़ा रहे कि दिमाग में कम। तो बाबू कल इसमें और थोड़ा सा बता देंगे, कल वर्चुअल इमेज बता देंगे बाबू, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर बता देंगे, है ना? और फिर बाबू हम लोग का लाइट मैंने थोड़ा सा तेजी से सिलेबस को खींचना है बाबू, है ना? थोड़ा सा स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा?